सो फाइनली हमारे पास आ चुका है Realme 9 5G स्पीड एडिशन। ऑलमोस्ट इस डिवाइस को यूज करते हुए लगभग 24 घंटे कंप्लीट होने को हैं। आज की इस वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग और इनिशियल इंप्रेशन आपके साथ शेयर करेंगे, किस तरीके का आपको ये जो स्मार्टफोन डिब्बे के अंदर है वो देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपको दिखा दूं कुछ इस तरीके का बॉक्स आपको Realme 9 5G स्पीड एडिशन का देखने को मिलेगा। प्राइसिंग की बात करें तो मुझे ये पूरा Realme 9 5G स्पीड एडिशन 20,000 का देखने को मिला है, क्योंकि मेरे पास कोई भी कार्ड नहीं था तो पूरा का पूरा 20,000 मुझे खर्च करना पड़ा। बैक साइड से कुछ इस तरीके का आपको Realme 9 5G का बॉक्स देखने को मिलेगा, जहां पर इसके पूरे हाईलाइटेड फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। 778G 5G प्रोसेसर है, 5000 mAh की बैटरी है, 140 Hz का रिफ्रेश रेट डिस्प्ले है, 30 वॉट का सुपर डार्ट चार्जर आपको देखने को मिलेगा और वही टिपिकल सर Realme का स्मार्टफोन के जो बॉक्स हैं सेम आपको देखने को मिलते हैं। चलिए सबसे पहले इसको करते हैं ओपन। वेल ये रही सील और शुरू करते हैं ब्रेक। टेंटन है, सील भी हो चुकी है ब्रेक। अब देखते हैं भाई अंदर क्या देखने को मिलेगा। चलिए खुल जा भाई। सबसे ऊपर आपको एक लिड देखने को मिलेगी, जहां पर लिखा है एक ग्रेट स्टोरी सिंस द फर्स्ट लीप रियलमी। चलिए सबसे पहले इसको निकालते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या देखने को मिलता है भाई। अब ये नहीं पता ओपन किस साइड से होगी, इसी साइड से होगी। सबसे पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिल जाएंगी और इसके अंदर आपको एक TPU केस देखने को मिल जाएगा और इनको पढ़ करके आप लोग IIT क्रैक कर सकते हो। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। और जो टिपिकल का केस है आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो कटआउट है उसका डिज़ाइन आपको न्यू देखने को मिलता है। और शायद सिम इजेक्टर पिन भी मेरे हिसाब से इसी के अंदर हो, लेकिन नहीं भाई सिम इजेक्टर पिन इसके अंदर नहीं है। चलिए अब निकालते हैं फ़ोन को। वेल आपको ये देखने को मिलता है Realme 9 5G स्पीड एडिशन। इसको भी रखते हैं साइड में। नीचे आपको 30 वॉट का एक सुपर डार्ट का चार्जर देखने को मिल जाएगा और USB टाइप सी और USB टाइप ए की जो केबल है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और ठीक इसके नीचे आपको जो सिम की इजेक्टर पिन है वो देखने को मिल जाती है। और दोस्तों ये तो बात हो गई बॉक्स कॉन्टेंट के बारे में, अब मिलते हैं फ़ोन के ऊपर। वेल ये रहा Realme 9 5G स्पीड एडिशन। सबसे पहले इसको निकालते हैं रैपर में से और देखते हैं किस तरीके का आपको Realme 9 5G स्पीड एडिशन देखने को मिलेगा। फिर रैपर में से निकालने के बाद फर्स्ट इंप्रेशन आपके साथ शेयर करूं तो बैक में आप लोगों को मैटी फिनिश देखने को मिलता है और जो कलर्स है मेरे पास टेरी ग्लो है। और जैसे आप लोग इसकी धूप के ऊपर इसकी शेड पड़ती है, लाइट पड़ती है, तो कलर्स इसका ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अगर आप लोग देखें स्टैम्प के ऊपर आपको वॉयलेट देखने को मिलता है, जैसे धूप की तरफ करूंगा आपको येलो शेड इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। वेल स्मार्टफोन को करते हैं सबसे पहले बूट, और जब तक ये स्मार्टफोन बूट होता है मैं इसके फिजिकल ओवरव्यू को आपके साथ शेयर कर दूं। वॉटर में आप लोगों को USB टाइप सी का पोर्ट देखने को मिलेगा, 3.5mm जैक देखने को मिलेगा, माइक देखने को मिलेगा और एक स्पीकर आपको देखने को मिलेगा। टॉप साइड में आप लोगों को नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिलता है और कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। राइट साइड में आपको फिंगरप्रिंट और जो पावर बटन है इसी के अंदर देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड में आप लोगों को सिम ट्रे देखने को मिलती है और जो वॉल्यूम रॉकर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। वेल सिम ट्रे की बात करें तो मेरे हिसाब से हाइब्रिड नहीं होनी चाहिए, इसमें आपको ट्रिपल कार्ड का स्लॉट देखने को मिलता है, यानी कि आप लोग दो सिम और एक मेमोरी कार्ड एक साथ यूज कर सकते हो। वेल मैं इसको सेटअप कर लेता हूँ, उसके बाद आपके साथ मिलता हूँ। अब दोस्तों फोन को फर्स्ट टाइम बूट करने के बाद आपको इसके अंदर जो मॉलवेयर है, जो अनवांटेड एप्लीकेशन है वो भी देखने को मिल जाएगी, जैसे कि जोश, लेकिन आप लोग इनको अनइंस्टॉल कर सकते हो। मौज एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगी और साथ में कुछ ऐसी एप्लीकेशन भी है सिस्टम की जो आपको अनवांटेड जो नोटिफिकेशन है प्रोवाइड करवाती रहती हैं। हॉट ऐप्स आपको देखने को मिल जाएगा, हे फन आपको देखने को मिल जाएगा, फाइन सेल, ये जो अनवांटेड एप्लीकेशन है रियलमी की आपको देखने को मिल जाएगी और आप लोग इनको अनइंस्टॉल या डिसेबल भी नहीं कर सकते, लेकिन मौज और जॉस को आप लोग डिसेबल भी कर सकते थे। अब दोस्तों बात की जाए डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो Realme 9 5G स्पीड एडिशन में आपको बैक में प्लास्टिक देखने को मिलेगी और ये जो साइड की फ्रेम देखने को मिलती है ये भी आपको प्लास्टिक की देखने को मिलती है, लेकिन बैक में आपको मैटी फिनिश देखने को मिलेंगी, तो फिंगरप्रिंट समझिए स्क्रैचेस जो हैं बहुत ही कम आपको देखने को मिलेंगे। और फोन के वेट की बात करें तो 180 ग्राम तक आपको इसका वेट देखने को मिलेगा और 5000 mAh की बैटरी को भी ये पावर करता है, तो इतना भी हैवी फील आपको स्मार्टफोन नहीं होने वाला है। अब बात की जाए बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो कहीं से भी स्मार्टफोन दबता नहीं है, बिल्ड क्वालिटी भी आपको काफ़ी तगड़ी देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी है और मैटी फिनिश के साथ आपको देखने को मिलता है। ओवरऑल मुझे बिल्ड क्वालिटी और जो डिजाइन है Realme 9 5G स्पीड एडिशन का काफी
पसंद आया। अब दोस्तों बात की जाए डिस्प्ले के बारे में, तो Realme 9 5G स्पीड एडिशन में 6.6 इंच की फुल HD IPS डिस्प्ले देखने को मिलेगी और साथ में 144 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है वो भी देखने को मिलता है। और ये Realme का फर्स्ट स्मार्टफोन है जो आपको 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलेगा। Gorilla Glass 3 की प्रोडक्शन देखने को मिल जाएगी। 460 निट्स तक आपको इस डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है वो देखने को मिलती है और ये जो डिस्प्ले है HDR कंटेंट को भी सपोर्ट करती है। बट ओवरऑल जितना मैंने इस डिस्प्ले को यूज़ किया इंडोर और आउटडोर में, तो मुझे कोई भी मेजर दिक्कत देखने को नहीं मिली इंडोर के अंदर। और आउटडोर में मैंने इस डिस्प्ले को धूप में यूज़ किया तो कोई ऐसा मेजर इशू डिस्प्ले मुझे देखने को नहीं मिला। तो ओवरऑल डिस्प्ले के मामले में आपको रियलमी 9 5G स्पीड एडिशन काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। बट अगर 144 हर्ट्ज़ के साथ सुपर एमोलेड होता तो और भी अच्छा हो जाता। वेल, फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट स्पीड की बात करें तो जैसे देखिए आपके सामने टच किया, एकदम से अनलॉक। जैसे टच कर रहा हूँ एकदम से अनलॉक, कोई भी ऐसी डिले आपको देखने को नहीं मिल रहा फिंगरप्रिंट में। फिंगरप्रिंट काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है। अब बात की जाए फेस अनलॉक की, जैसे इसको लॉक किया इसकी तरफ देखा और एकदम से आप लोग देखिए अनलॉक हो गया। ये ऑन किया इसकी तरफ देखा और भाई एकदम से ये अनलॉक, कोई भी दिक्कत आपको फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक में देखने को नहीं मिलेगी। अब दोस्तों बात की जाए कैमरा के बारे में, तो Realme 9 5G स्पीड एडिशन में आपको बैक में ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा। 48MP प्लस 2+2, 48MP का आपको मेन प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा सैमसंग के सेंसर के साथ, अपर्चर 1.8 का। 2MP का आपको ब्लैक एंड व्हाइट पोर्ट्रेट कैमरा देखने को मिलेगा एंड 2MP का आपको अल्ट्रा मैक्रो देखने को मिल जाता है। वहीं फ्रंट साइड की बात करें तो फ्रंट में आप लोगों को 16MP की जो सेल्फी है वो देखने को मिलेगी सोनी IMX471 सेंसर के साथ। अब बात की जाए कैमरा क्वालिटी के बारे में, तो आपके सामने कुछ कैमरा सैंपल शेयर कर रहा हूं, आप लोग इनको चेकआउट करके पता लगा सकते हो किस तरीके का कैमरा आपको देखने को मिलता है। अब दोस्तों ये जो सबसे पहले पिक्चर आपको देखने को मिलेगी Realme 9 5G के नॉर्मल फोटो मोड से कैप्चर की है। आपको कलर सैचुरेशन यहाँ पर अच्छे देखने को मिलेंगे, बट हल्का हल्का सा आपको जो रेडनेस टोन है वो देखने को मिल जाएगी और जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अगली पिक्चर्स के पोर्ट्रेट मोड से शूट की गई और पोर्ट्रेट मोड में आपको ब्राइटनेस का इशू थोड़ा सा देखने को मिलेगा, लेकिन जो बोके इफेक्ट है एजेस के ऊपर काफ़ी अच्छे तरीके से Realme 9 5G ने एडजस्ट कर लिया है। अगली पिक्चर्स आपको उसके 48MP से देखने को मिलती है और फोटो मोड 48MP में कोई मेजर डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता। ये इसका फ्रंट कैमरा है फोटो मोड में, तो फोटो मोड में आपको जो कलर्स हैं नॉर्मल से देखने को मिलेंगे, बट फिर भी फोटो मोड में जो फ्रंट कैमरा है काफ़ी तगड़ा आपको देखने को मिलेगा और जो पोर्ट्रेट शॉट्स हैं वो भी आपको काफ़ी अच्छे आएंगे। लेकिन फ्रंट कैमरा में आपको जो एजेस हैं वो इतने अच्छे से Realme 9 5G ने स्पीड एडिशन ने अच्छे से एडजस्ट नहीं किए हैं। अब दोस्तों ये तो बात हो गई कैमरा के बारे में, तो Realme 9 5G स्पीड एडिशन का जो कैमरा है आपको एवरेज सा देखने को मिलेगा और इतनी भी अच्छी क्वालिटी आपको निकाल करके नहीं देगा। आपको 20,000 के अंदर और भी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे जिनमें आपको कैमरा जो है वो बेटर देखने को मिलता है, लेकिन Realme 9 5G स्पीड एडिशन का कैमरा मुझे इतना पसंद नहीं आया। अब दोस्तों बात की जाए परफॉर्मेंस के बारे में, तो Realme 9 5G स्पीड एडिशन में आपको स्नैपड्रैगन का 778G का जो 5G प्रोसेसर है वो देखने को मिलेगा, 6nm के ऊपर बेस्ड है। और Realme 9 5G स्पीड एडिशन जो है इसमें आपको 5G के 4 बैंड देखने को मिल जाते हैं। वेल, बात की जाए अंतु स्कोर के बारे में, तो मैंने इसका प्रैक्टिकल टेस्ट किया था और प्रैक्टिकल टेस्ट करने के बाद जो स्कोर देखने को मिला 533,760 देखने को मिला। ओवरऑल स्कोर आपको एवरेज सा देखने को मिलता है और परफॉर्मेंस की बात करें तो 60fps तक आप लोग BGMI में इसमें गेम प्ले कर सकते हो और मैंने इसका भी प्रैक्टिकल टेस्ट किया है। अगर आप लोग BGMI देखें तो आपको स्मूथ के ऊपर एक्सट्रीम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और बैलेंस HDR तक आपको अनलॉक देखने को मिलेंगे और 60fps सिर्फ आपका स्मूथ और एक्सट्रीम का ऑप्शन इसी के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको काफ़ी तगड़ी देखने को मिलेगी इस डिवाइस के अंदर। वेल, इसका जल्दी आपको गेमिंग रिव्यू देखने को मिल जाएगा, तो स्टे ट्यून, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। अब दोस्तों बात की जाए बैटरी के बारे में, तो Realme 9 5G स्पीड एडिशन में आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। उसी को चार्ज करने के लिए 30W का जो डार्ट चार्जर है आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा और इस चार्जर से Realme 9 5G स्पीड एडिशन को पूरा फुल चार्ज करने के लिए 1 घंटा 15-20 मिनट पूरे के पूरे लग जाएंगे। वेल, UI एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स Realme UI 2.0 Android 11 देखने को मिलता है। वेल, अगर आपको Realme यहाँ पर भी Realme UI 3.0 आउट ऑफ द बॉक्स प्रोवाइड करवा देता तो Realme 9 5G जो है वो एक किलर डिवाइस देखने को मिल जाता,
140 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। बट आपको एंड्रॉयड 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है और साथ में आउट ऑफ द बॉक्स इसमें आपको एक नया अपडेट भी देखने को मिल जाएगा। पर अपडेट के वर्जन की बात करें तो आपको 8.06 देखने को मिलता है। इसके अंदर कुछ सिस्टम में इंप्रूवमेंट्स की गई है और मार्च मंथ का सिक्योरिटी पैच आपको देखने को मिलता है। वेल आउट ऑफ द बॉक्स कुछ आपको अनवांटेड एप्लीकेशन भी देखने को मिलती थी, लेकिन उनको अनइंस्टॉल करने के बाद डिवाइस आपको पूरा का पूरा क्लीन देखने को मिलेगा। और जो यूआई का एक्सपीरियंस है मुझे काफी पसंद आया, बिल्कुल स्मूथ आपको देखने को मिलता है। और इसमें आपको एएमडी का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये आपको एक आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो यूआई एक्सपीरियंस मुझे काफी स्मूथ देखने को मिला। स्टेबल में आपको रियलमी यूआई 2.0 देखने को मिलता है। कोई भी हैंग या लैग इशू, कोई भी जिटरीनेस आपको देखने को नहीं मिलता। ऐप ओपनिंग क्लोजिंग स्पीड या ऐप स्विचिंग स्पीड काफी तगड़ी आपको देखने को मिलती है। अब दोस्तों ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो रियलमी 9 5G स्पीड एडिशन में आपको बॉटम साइड में सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है। वेल बात की जाए क्वालिटी की तो आपके सामने टेस्ट करता हूं। ओवरऑल आपको क्वालिटी जो है एवरेज सी देखने को मिलेगी। सिंगल स्पीकर है तो क्वालिटी भी आपको नॉर्मल सी देखने को मिलती है और ना ही ये डॉल्बी एटम्स को सपोर्ट करता है। नॉर्मल सा स्पीकर आपको देखने को मिलता है तो क्वालिटी भी आपको एवरेज सी देखने को मिलेगी। लेकिन रियलमी 9 प्रो प्लस 5G की जो क्वालिटी थी उन स्पीकर्स की आपको काफ़ी तगड़ी देखने को मिलती थी। उसमें आपको ओ हैप्टिक्स का सपोर्ट भी देखने को मिलता था, लेकिन इसमें आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। सो फाइनली दोस्तों ये था मेरा पूरा फुल ऑन रिव्यू Realme 9 5G स्पीड एडिशन का। वेल पूरे अनबॉक्सिंग और इनिशियल इंप्रेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।